नमस्कार दोस्तों, आरंभ में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर पंचायती राज के लिए ये हमारा दूसरा वीडियो है। 100% टॉपिक कवर होगा, ये हमारा वादा है आपसे। और आपको मार्केट से कोई भी बुक लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक बुक में पूरा हो नहीं रहा है और लक्ष्मीकांत से पढ़ पाना हर किसी के बस की बात है नहीं। दूसरा, इस वीडियो सीरीज का जो एंड होगा वो 18 नवंबर को होगा। इसमें पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरा कवर किया जाएगा। उसके बाद इस पूरी वीडियो सीरीज का एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना ध्यान से, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ना पीडीएफ के फॉर्म में थोड़ा मुश्किल होता है। प्रिंट आउट निकाल के पढ़िएगा और हो सके तो अपने नोट्स बनाइएगा। उन 5 दिन के बाद 23 नवंबर को एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के टॉपिक पर होगा। पटवारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जीके, हिंदी, कंप्यूटर, इसमें आप कितना ही पढ़ लीजिए कुछ क्वेश्चन आपके इधर उधर हो जाएंगे, पर पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। अगर आप इस पूरी वीडियो सीरीज को ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और उस पीडीएफ को आप अच्छे से याद कर लेंगे, तो कोई क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं, नीचे मैंने लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो हमने पटवारी के लिए खास तौर पर बनाए हुए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पटवारी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक भी दी हुई है, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ वही लोग जुड़े हैं जिन्हें पढ़ना है। आप ग्रुप में जुड़ के क्या कर रहे हैं लोग, कि वो स्टडी मटेरियल इधर से उधर शेयर कर रहे हैं, क्वेश्चन डाल रहे हैं, फालतू के क्वेश्चन, फालतू के टॉपिक, फालतू की बातें। अगर आपको पढ़ना है तो इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी अभी 1-2 साल में तो आने वाली है नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया पर कम से कम टाइम बर्बाद किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी तैयारी को दिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। हमने जो पहला वीडियो था उसमें हमने अशोक मेहता समिति तक पढ़ा था, जो 1977 में आई थी। उसके बाद एक आया था संविधान संशोधन हेतु निजी विधेयक। 1978 में देश के 21 प्रसिद्ध व्यक्तियों ने एक निजी विधेयक पेश किया था, जिनका उद्देश्य था पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। इन व्यक्तियों में थे अशोक मेहता, EMS नमूदरीपाद, रवि राय, नानाजी देशमुख, सिंघवी, सुरेंद्र मोहन, मधु लिमे, बीजी वर्गीस, रामनिवास मृधा इत्यादि शामिल थे। इस विधेयक में निम्न बातों पर ध्यान दिया गया था। पहला, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, संविधान में भाग 9 जोड़ा जाए तथा उसे स्थानीय शासन का नाम दिया जाए। सीधा क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप याद रखें। पंचायतों को त्रिस्तरीय व्यवस्था गठित की जाए। गांव के स्तर पर परिषद, मध्यवर्ती स्तर पर प्रादेशिक परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद गठन किया जाए। कई समितियों ने ये बोला कि पंचायतों को त्रिस्तरीय व्यवस्था में बांटा जाए, लेकिन उनकी जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी वो अलग अलग थी, तो क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आएगा कि त्रिस्तरीय व्यवस्था पर किस कमेटी ने समर्थन दिया था या प्रस्ताव दिया था या बल दिया था। क्वेश्चन आएगा कि गांव के स्तर पर परिषद, मध्यवर्ती स्तर पर प्रादेशिक परिषद और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए, ये प्रस्ताव किसने दिया था। ये दिया था संविधान संशोधन हेतु निजी विधेयक ने। पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्षों के लिए नियत किया जाए। उसके बाद एक अगला कार्यदल आया या कमेटी आई, वो थी CH हनुमंता राव कार्यदल। इस कार्यदल का गठन योजना आयोग द्वारा 1982 से 1984 के दौरान किया गया था। इसे जिला योजना प्रक्रिया के संबंध में उपयुक्त दिशा निर्देश देने का कार्य सौंपा गया था। तो जो जिला योजना प्रक्रिया होती है, एक जो जिला होता है पूरा, तो उसके अंदर जैसे कि हम जानते हैं देश के अंदर एक योजना आयोग होता है, उसी प्रकार जिले के अंदर जो योजना प्रक्रिया है वो किस तरीके से काम करेगी, उसके लिए क्या दिशा निर्देश होने चाहिए, उसके लिए ये बनाया गया था। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आएगा जिला योजना प्रक्रिया से संबंधित कौन सी समिति थी, CH हनुमंता, और क्वेश्चन से आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि जिला स्तर की समिति की बात हो रही है, योजना आयोग की बात हो रही है, जिला स्तर का योजना, तो वहां पर CH हनुमंता है। इस पे 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये था कि 50 सदस्यीय योजना तंत्र होना चाहिए, ठीक है, और इसमें कौन कौन शामिल होगा,
जिला परिषद, पंचायत समितियां, नगर पालिका प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, श्रमिक, उद्योगपति, बैंक, लगभग सब, हर तरह का जो समाज में वर्ग होता है, हर कोई इसमें शामिल होगा। इसका जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि जिलाधीश इस योजना तंत्र का अध्यक्ष होना चाहिए। तो जो योजना तंत्र जिला स्तर पर है उसमें 50 सदस्यीय योजना तंत्र होना चाहिए और उसका अध्यक्ष जिलाधीश होना चाहिए। सीएस हनुमंता राव में सिर्फ ये दो चीजें याद करने की हैं। एक तीसरा ये क्वेश्चन बेसिक से बन सकता है कि इसका गठन योजना आयोग द्वारा 1982 से 1984 के दौरान किया गया था। उसके बाद आती है एक जीवीके राव समिति। इस समिति का गठन श्री राजीव गांधी की सरकार ने मार्च 1985 में किया था। दोस्तों अगर आप गौर कर रहे होंगे पहले वीडियो से लेकर अभी तक हम 1959 से 1985 पे आ गए हैं और अभी तक पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है, वो मिलेगा 1993 में जाके। इस समिति का गठन श्री राजीव गांधी की सरकार ने मार्च 1985 में किया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण विकास एवं निर्धनता कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना। इस समिति को सामान्यतः कार्ड समिति के नाम से जाना जाता है। तो ये कार्ड समिति के नाम से जाने वाली कौन सी समिति थी? जीवी के राव। विकेंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है वो घातक है, जहां तक हो सके इस प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत बनाया जाना चाहिए। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के ऊपर ही पूरा पंचायती राज चला आ रहा है। अभी तक हमने देखा कि जितनी भी समितियां बनी थी उन सब का ये परामर्श था कि पंचायती राज का जो ढांचा है या जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। जीवी के राव समिति ने आके बोला कि जो पंचायती राज है वो 4 स्तरीय होने चाहिए, जिसमें 3 स्तर तो गांव, खंड तथा जिले के हों और चौथे स्तर पर राज्य में विकास परिषद का गठन किया जाना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के पास हो तथा सभी मंत्री व सभी जिलाध्यक्ष इसके सदस्य हों। ये यहाँ पे अध्यक्षता भी गलत लिख दिया है और यहाँ पे जिलाध्यक्ष भी गलत लिख दिया है, पीडीएफ में इसको सही कर दूंगा। ठीक है, इनका अगला सुझाव था जिला परिषद में अनुसूचित जातियां, जनजातियां, महिलाओं तथा अन्य पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इसके पहले जो समितियों ने सिफारिश करी थी तो वो अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं तक ही सीमित था। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को भी इन्होंने जोड़ा। किसने जोड़ा? जीवी के राव समिति ने। जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त का पद सृजित किया जाना चाहिए, जो जिलाधीश की तुलना में अधिक वरिष्ठ व अनुभवी अधिकारी को दिया जाना चाहिए तथा जिलाधीश को सिर्फ प्रशासनिक कार्यों तक सीमित रखा जाना चाहिए। तो जिला विकास आयुक्त ये जो पद है इसकी सिफारिश किस समिति ने की? बोथी जीवी करो समिति। उसके बाद आती है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। श्री राजीव गांधी जी की सरकार विकेंद्रीकरण के मुद्दे पर काफी सक्रिय थी। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जनता से जुड़ना या सरकार एक हाथ में ना रहना, हर किसी की जन भागीदारी होना। और जो हमने शुरू से पढ़ा है पंचायती राज में कि विकास में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो फोर्ड फाउंडेशन ने बताया था कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये थी जनता की भागीदारी नहीं है। तो जो राजीव गांधी सरकार थी वो विकेंद्रीकरण के मुद्दे पर काफी सक्रिय थी। जून 1986 में इसी सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने श्री लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे पंचायती राज व्यवस्था के पुनर्जीवन के लिए अवधारणा पत्र प्रस्तुत करना था। यहाँ पर फिर से अध्यक्षता गलत लिखा गया है, जो भी गलती है मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा। समिति ने नवंबर 1986 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी। मतलब ये जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनी थी इनका ये था उद्देश्य, ये था राजीव गांधी का कि पंचायती राज व्यवस्था जो अभी चल रही है देश में उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधार हो सकते हैं ताकि ये सुचारू रूप से चले, जनता की भागीदारी बढ़े। तो इनकी पहली जो सिफारिश थी वो ये थी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ये सिफारिश लग हर समिति ने की है। प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारियों को ग्रामीण विकास प्रशासन के कार्य करने का मौका अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए।
ये जो सिफारिश की थी लक्ष्मीबल सिंघवी की समिति ने, ये स्वीकार की गई। और इसकी वजह से अगर कोई हो या ना हो, एमबीबीएस डॉक्टर बड़े परेशान हुए, क्योंकि जब ये लागू हो गया तो ये कंपलसरी कर दिया गया हर एमबीबीएस डॉक्टर को कम से कम 2 साल गांव में पोस्टिंग लेनी होती है। उसके बाद तीसरी सिफारिश थी कि पंचायती चुनाव में दलगत व्यवस्था को नहीं अपनाना चाहिए। दलगत व्यवस्था क्या होती है कि जैसे हम देखते हैं लोकसभा चुनाव जो होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, यहाँ पर दलगत चुनाव होता है, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, ठीक है। तो जो पंचायती चुनाव है वहां पर दलगत व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, वरना कोई एक पार्टी सत्ता में होगी, एक विपक्ष होगा और वो आपस में ही खेलते रहेंगे। लेकिन अगर पंचायत जो है, जो पंचायती राज है, वो था सिर्फ जनता से जुड़ने के लिए, जनता को आगे लाने के लिए, उनके विकास के लिए, इसलिए इन्होंने सुझाव दिया कि पंचायती चुनाव में दलगत व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। पंचायती राज से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य में अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। अधिकरण क्या है? अधिकरण अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है पॉलिटी में, लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया उन्हें शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं, तो सीधे शब्दों में ये होता है कि किसी भी राज्य में या राज्य के क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन कोई भी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अथवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवा या पदों की भर्ती के लिए या लोगों की नियुक्तियों के लिए, सेवाओं की शर्तों के संबंध में विवाद या परिवादों के निपटारे के लिए एक न्याय निर्णय या विचारण के लिए प्रोविजन किया जाता है, वो कहलाता है अधिकरण। आपको डिटेल पढ़ना होगा तो आप कहीं भी लक्ष्मीकांत किताब में भी आपको अधिकरण मिल जाएगा। उसके बाद आता है केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो पंचायतों के लिए पर्याप्त वित्त को सुनिश्चित कर सके। पंचायतों को करारोपण के पर्याप्त अधिकार भी दिए जाने चाहिए। मतलब क्या होता है कि इसने सिफारिश करी कि केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए एक वित्त आयोग बनाया जाना चाहिए। वित्त आयोग किसके लिए? पंचायत के लिए, ताकि पंचायतों के जो काम हैं, जैसे आपको पता है कि विधानसभा में भी वित्त आयोग होता है, लोकसभा में भी होता है, विधायकों को, सांसदों को एक फंड मिलता है काम करने के लिए, उसी तरह से पंचायतों के लिए भी फंड की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। अब एक सिफारिश और की गई थी कि पंचायतों को करारोपण, करारोपण होता है टैक्स लेना, तो पंचायत भी कर लगाती है, टैक्स लगाती है, उसका उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। जो आज पंचायतें टैक्स लगाती हैं उसका अधिकार देने की सिफारिश की थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि पंचायतों के चुनाव नियमित अंतराल पर तथा निष्पक्ष रूप से संचालित हों। तो ये जो सिफारिशें की थी वो किसने की? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। न्याय पंचायतों या ग्रामीण न्यायालयों की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। न्याय करने की शक्ति उन्हीं व्यक्तियों को दी जाए जिनके पास इससे जुड़ी शैक्षिक योग्यता व प्रशिक्षण हो। तो ये जो 7 सिफारिशें हैं वो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने की थी। ये काफी इंपोर्टेंट समिति है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद कुछ छोटी छोटी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन समितियां इतनी ज्यादा हो रही थी और इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता कि व्यापम पटवारी एग्जाम में पूछेगा, इसलिए मैंने कुछ समितियों को सिर्फ हेडिंग डाला हुआ है। जैसे होती है जिलाधीशों की कार्यशालाएं, ये इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहली कार्यशाला दिसंबर 1987 में भोपाल में हुई थी। दिसंबर 1987 में ये कार्यशाला भोपाल में हुई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम है और मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये जिलाधीशों की जो कार्यशाला है पहली हुई थी दिसंबर 1987 में। इसमें कुछ सिफारिशें की गई थीं, जैसे पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जाना आवश्यक है, इसके लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाना चाहिए। दूसरा, संविधान में संघ सूची तथा राज सूची के अलावा एक जिला सूची जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया, इसमें शामिल विषयों को पंचायतों के लिए आरक्षित किया जाएगा। ग्राम पंचायतों को अधिक शक्तियां देना उचित होगा। एक और सिफारिश इन्होंने की कि जिला योजना परिषद का गठन करके
योजना प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। जो योजना आयोग है वो जब योजना बनाता है तो पूरे देश का डाटा लेकर किस तरीके से योजना चलेगी आगे, तो वो एक व्यापक रूप पर योजना बनती है। मैं ये कह रहा हूँ वो योजना अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि इतने बड़े देश में इतनी भाषाएं, इतना कल्चर, इतना बड़ा भूभाग, उसको लेके योजना बनाना, उसको सफलतापूर्वक चलवाना बहुत बड़ी बात है। वो आज लेके फोरकास्टिंग करते हैं 4-5 साल की, कि अगर ऐसे चलेगी 5 साल बाद ये रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छा योजना आयोग है, लेकिन हर गांव हर जिले को ध्यान में रख के नहीं होती ना वो। तो इसलिए सिफारिश की गई कि एक जिला के स्तर पर योजना प्रक्रिया बनाई जाए जो जिले के विकास के लिए काम करे। कमल सिंघवी समिति की रिपोर्ट आ जाने के बाद पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी थी। इसी समय 1988 में कार्मिक मंत्रालय से संबद्ध संसदीय सलाहकार समिति ने जिला योजना प्रक्रिया पर विचार करने के लिए पी के थुंगन की अध्यक्षता में एक उप समिति गठित की। समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं, जैसे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, जिला परिषद को विकास कार्यों तथा योजना निर्माण के प्रमुख संस्था के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए, जिलाधीश को जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। पंचायतों के लिए 5 साल की वो थी वीएन गाडगिल समिति। इस समिति का गठन कांग्रेस पार्टी के भीतर किया गया था, जिसे विभिन्न समितियों की रिपोर्ट पर विचार करते हुए पंचायती राज कार्यक्रम के संबंध में सिफारिशें देनी थी। मतलब जो वीएन गाडगिल समिति थी उसको जो शुरू से, जैसे पी के थुंगन समिति थी, जिलाधीशों की कार्यशाला हुई, लच्छीपाल सिंघवी समिति थी, जीवी के राव समिति थी, बलवंत राय मेहता की समिति थी, अशोक मेहता समिति थी, ये जो सारी समितियों ने अपने सुझाव दिए थे, अपनी रिपोर्ट दी थी, उन रिपोर्टों को एनालिसिस करके वीएन गाडगिल समिति को पंचायती राज के संबंध में कांग्रेस पार्टी को सुझाव देना था कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, आगे चलाना है। तो यहाँ पे हमारी सारी समितियां खत्म होती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में 64वां संशोधन, 74वां और 73वां। फिर हम पढ़ेंगे 73वें संशोधन के सारे प्रोविजंस, जो पूरा एक वीडियो लेगा। उसके बाद एक वीडियो आएगा भूरिया समिति और पैसा एक्ट का। उसके बाद एक वीडियो मैं लूंगा मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी जानकारी है पंचायती राज की उसका। उसके बाद हम चालू करेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो आप ये मत सोचिए वीडियो ज्यादा हो रहे हैं, वीडियो ज्यादा इसलिए हो रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी छूटे और आपका क्वेश्चन चूके एग्जाम में। पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, क्योंकि वहां पे तो लिखा है पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तो हमें पूरा सिलेबस करना है। पूरा सिलेबस करने के बाद ये हो जाएगा कि आप 23 नवंबर को अगर आप पूरा पढ़ते हैं, 18 को सीरीज एंड होगी, 5 दिन आपको इसको रिवीजन करने के लिए मिलेंगे। आप अगर पूरा पढ़ते हैं और जो क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन होगा उसके बाद आप उसका प्रिंटआउट निकाल के उन क्वेश्चनों को भी एक बार अच्छे से समझें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो। टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन रोज रोज मैसेज करके ये मत बोलना सर मुझे कोड दे दो, मुझे आईडी दे दो, पासवर्ड दे दो, कैसे करना है। 15 नवंबर से उसी प्रक्रिया चालू होगी। 15 नवंबर के बाद से लेके 20 नवंबर तक जितने भी आप लोग जुड़े होंगे मुझसे, सबको रेशन कोड या आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई डाउट है या आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है या मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, तो आप कमेंट में बता दीजिए। अगले वीडियो में उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। थैंक यू।